15 को इंतजार कर रहे थे है ना, तो वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तो सबसे पहले जितने भी हमारे को फाउंडर्स हैं 23 के, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जितने भी को फाउंडर्स हैं 23 के, वो स्टेज पे आके फास्ट ऑल को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स एंड क्लैपिंग के साथ खड़े होके सब एक बार स्वागत करेंगे मिस्टर प्रदीप सर, मिस्टर शैलेश सर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर वंदा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लिबास बदलता है, और एक वो इंसान है जो अपने पसीने
सर आपको आगे जाना ना, सबसे पहले अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, अपने आप को हर चीज में आगे रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रहोगे ना, हर चीज में क्या रहोगे, आप पीछे ही रहोगे, है ना। तो किस किस को रहना पीछे, किसी को नहीं रहना ना, सबको आगे जाना है। अच्छा, सो बताएं आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सक्सेस के लिए। Yeah, see?
तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक आज आपको पता भी लगा होगा कि हमारी फैमिली कितनी, अभी भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्हें मौका नहीं मिल पाया इस इवेंट में आने का। ठीक है, आप सभी इधर इस वजह से हो क्योंकि इसमें आपकी मर्जी नहीं है, इसमें ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस इवेंट को अटेंड करना तो चाहते थे बट उन्हें मौका नहीं मिला। यू आर वेरी लकी। तो एक बार आप सभी एक्साइटमेंट में एक बार दोबारा अपने लिए क्लैपिंग करें। शुरुआत में हम स्टार्टिंग करेंगे, हमारे बीच कितने ऐसे पार्टनर्स हैं जो नोवस कस्टमर्स हैं, जो बिल्कुल अभी बिगनर्स हैं, जिनको शायद इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता, जिस प्लेटफॉर्म का हम पार्ट है। कुछ है हमारे बीच ऐसे जो बिल्कुल न्यू है? एक बार हैंड रेस करेंगे जो बिल्कुल न्यू है। ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एक प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है उस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। जो आप सोचते भी नहीं है ना, उससे भी 100 गुना बड़े सपने आपके इस इंडस्ट्री से पूरे होने वाले हैं। लॉकडाउन का 16 तारीख को चेक नहीं आया किसी का, 15 है तो 15 है, इंटरनेशनल भी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी दुकान भी हमें अपने एरिया में खोलनी है तो लाखों रुपया लगता है, और हमें एमएनसी बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस खड़ा करने का मौका मिल रहा है सिस्टम से। अब बात करें, देखो ये मेरी जर्नी है, तो आप कुछ पार्टनर होंगे जिन्होंने पहले देखी होगी, बट कुछ पार्टनर ऐसे जिन्होंने शायद मेरी जर्नी के बारे में नहीं पता होगा। देखो मैं भी जब सिस्टम में आया था, मैं काफी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आज मेरे मदर भी इधर है जो कि थोड़ा बताएंगे बहुत सारी चीजें आगे जाके आपको कि कैसे सिस्टम लाइफ चेंज करता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने अपने घर से रिजल्ट लिए थे प्रोडक्ट्स से। जब मैंने बिजनेस को शुरू करना था तो मेरे मदर ने मेरे को बहुत मना किया, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बहुत है, राइट? यहाँ पे ड्रीम हंटर्स बहुत है। ड्रीम हंटर्स पता है कौन होते हैं? जो सपनों को खा जाते हैं। जब आप बोलोगे मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी करनी है तो सारे बोलेंगे बेटा कर, पर जब आप बोलेंगे मैं 10 लाख महीना कमाऊंगा तो लोगों के वो 1 लीटर की बोतल फट जाती है ना, 10 लीटर पानी आ जाता है। सोच छोटी होती है और बड़ी बात है जब एक छोटी सोच वाले इंसान के आगे बोल देते तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं होते। अब मैंने सिस्टम को देखा था, आप देखो, अच्छा हमारे बीच किस किसने जापान का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा। किस किसने देखा है अपनी आंखों से? खुद नहीं देखा, पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता? करता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर, अपॉर्चुनिटीज, अगर हमने नहीं देखी ना बट वो एग्जिस्ट करती है, लोग उसके अंदर ग्रोथ ले रहे हैं, पर कौन लोग ले रहे हैं? जिनको उसकी नॉलेज है। अब मैंने सिस्टम देखा था, घर वालों ने नहीं देखा, पर 2 दिन लगे कन्विंस करने में, है ना। फालतू की चीजों के लिए जिद कर लेते हैं, जो अपनी सक्सेस के लिए जिद नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी सक्सेस के लिए जिद करी एंड 2 दिन लगे थे मेरे को समझाने में सिस्टम के बारे में। एक चांस मांगा था और उसके बाद मैं बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कुछ को आ भी रहे होंगे, है ना। देखो जरूरी नहीं आपके सिस्टम में 1 लाख की इनकम में 3 महीने में पहुंचो, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं पहुंचता हर इंसान है, पर जो वही पहुंचता है जो खड़ा है इस सिस्टम में। पहले 4 महीने में सिस्टम में असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहा था। पहले चार महीने की इनकम जो टोटल होगी, पहले 5 महीने की जो मेरी इनकम होगी वो करीब करीब 20-25-35-40 हजार होगी, 32-35,000 होगी मेरी 4 महीने दुनिया देखी है, तो आपको बहुत सारे दुनिया देखने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, सिकंदर थे वो, दूसरे दूसरा जन्म हो गया उनका। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। देखो एक आपने स्टोरी सुनी भी होगी ना, चीते की और गधे की लड़ाई हो जाती है जंगल में, है ना। चीते और गधे को शेर के पास लेके जाते हैं, शेर क्या करता है, शेर पूछता है क्या दिक्कत है तुम्हारी, तो चीता बोलता है कि ये गधा बोल रहा है कि मुंह इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, और मैं कह रहा हूँ इतना होता है, तो शेर क्या करता है, हंसता है और चीते को पकड़ के जेल में डालने को बोल देता है कि चीते को पकड़ो जेल में डालो।
तो चीता वहां से क्या जवाब देता है, महाराज आप ही बता दो कितने। महाराज बोलते इतना होता है, कहते हैं मुझे क्यों जेल में डाल रहे हो। क्या तुझे जेल में इसलिए नहीं डाला जा रहा कि तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तेरे को जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि तू गधे से क्यों बहस है। तो बहुत लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको ये ज्ञान के देवता बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन ज्ञान के देवताओं से आपने ज्ञान नहीं लेना, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जिंदगी में कुछ समय इन्होंने दूसरों को सफल होने की सलाह देते हैं। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा पर मजा बहुत आता है। जैसे पहली क्लास से दसवीं करते हैं तो सोते वक्त दसवीं से फ्री कब हुए थे, सोते नहीं चीज, और जब निकल जाते हैं तो याद बहुत आता है। जैसे आज इस लाइन में मैं हूँ, मेरे को वो टाइम बहुत याद आता है जिसमें से अभी आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में होंगे। तो एएस होंगे, सुपरवाइजर होंगे, अभी मेहनत कर रहे हैं। तो 9 महीने में सिस्टम में मैनेजर बना, आप ही की तरह जिस सक्सेस डे में आप बैठे हैं ना। मेरा जब फर्स्ट सक्सेस डे लगा था, मैं वहां ऊपर बैठा था, वहां पे ऊपर एक फ्लोर था लुधियाना में, जलंधर में सक्सेस डे हुआ था वो, एंड मैंने ऊपर बैठ के सक्सेस डे लगाया था। बड़े कैजुअल लुक में था मैं, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि नया नया आया था, कॉलेज स्टूडेंट था, और वहां पे बैठ के ना तालियां बजाता था ऊपर खड़ के, जैसे वहां पे बैठ के तालियां बजा रहा था मैं, जैसे जब सीन वो चढ़ रहे थे मैनेजर्स, आपकी तरह सक्सेस डे इवेंट अटेंड कर रहा था मैं। फर्स्ट इवेंट मैंने 12 फरवरी 2017 को इवेंट किया था, सॉरी अटेंड किया था, जब फर्स्ट टाइम मैंने सिस्टम को मतलब इस चीज को देखा था कि ऐसा भी कोई इवेंट होता है, सक्सेस डे होता है। और वहां पे बैठ के ड्रीम सेट किया था कि आज मैं वहां बैठा हूँ पर आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ अचीवमेंट लेके। और आज सबसे बड़ी बात पता क्या, सबसे बड़ी बात वो अचीव करना नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इवेंट ही अब होस्ट कर रहे हैं सक्सेस डे। एक छोटी सी शायरी आप सभी के लिए है, वो चीज कि आप सभी ने उस चीज को अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना है। कहते हैं चांद तारों के ना हो जो खुद मोहताज, चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, उम्मीद करो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। बोलना चाहूंगा मैं कि कभी भी ना पीछे मुड़ के मत देखना, स्ट्रगल आएगा, बट आपको बता दूं चैलेंजेस आर टेंपरेरी, सक्सेस इज परमानेंट। मैं भी कभी अकेला आया था, मुझे नहीं पता मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी बड़ी मेरा वायर खड़ा हो चुका है। आज मैं अगर बात करूं, सारी चीजें अचीवेबल है, आप देखेंगे भी आगे। इनकम ग्रोथ की बात करें, इसमें थोड़ा सा इनकम आपको थोड़ा सा स्लाइड्स जो है वो थोड़ी ब्लर दिख रही है, थोड़ा मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा जूम करें एक बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज, जो फर्स्ट इनकम का मेरा चेक था वो था 16,741.76 का फरवरी 2017। फर्स्ट पे आउट आया था, मैंने सारी इनकम घर पे दी थी क्योंकि मैंने 2CC लेवल डन किया था फास्ट मोड से, एंड उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया, और यही इनकम अगले साल तक मार्केट, मैंने जॉब्स भी करी है मार्केट के अंदर, राइट साइड में दिखाई। फरवरी 2018 तक इनकम कितनी थी, 116,000 से सीधा कितनी एक साल बाद 121,000 रुपए है मार्केट के अंदर। फरवरी 2019 190,000 तक की इनकम। उसके बाद बात करें मार्च, लॉकडाउन आया था ना 2020 में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको पता ही होगा कितना ज्यादा लोगों ने अर्न किया लॉकडाउन के अंदर, बट कौन थे जो इस सिस्टम का पार्ट थे, उन्होंने अर्न किया। लॉकडाउन के अंदर इनकम आई थी 3,07,000 रुपए, जो चेक आया था मेरा 15,000 इसमें टैक्स कटा था, बाकी ये रिसेंट पे आउट है। अगर 2 मंथ की अर्निंग की, ये जस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे नाम अभी मेरा लिखा है और इसमें नाम जल्दी आपका होगा, अकाउंट स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि काफी सारे पार्टनर स्टार्टिंग में बिलीव भी नहीं करते, और ये चीजें देखो विश्वास ही सारी चीजें हासिल होगी। ये कहते हैं डाउट कैन मेक माउंटेंस एंड बिलीव कैन मूव माउंटेंस। बिलीव ऐसी चीज जो पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, और डाउट ऐसी चीज जो आपकी मंजिल में बहुत सारे पहाड़ आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो बाकी रिसेंट पे आउट की बात करें, 6,08,577,000 इनकम आई, एंड मेरे घर वाले बोलते थे बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले और 25,000-30,000 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, 25,000-30,000 रुपए कमाने की बहुत बड़ी बात होती है। पर मैंने एक चीज सोच ली थी, मैं सिस्टम में था, मैं इतना टैक्स कटा रहे होंगे, हम इतना कमाएंगे नहीं जितना घर वाले बोलते हैं, इतना टैक्स कटाएंगे।
समथिंग टीडीएस कटा हुआ है, 3 महीने की ही टीडीएस की बात करें ना, सिर्फ टैक्स टैक्स की बात करें 3 महीने की, 70,000 रुपए टैक्स कटा हुआ है। बताओ मुझे ऐसा कोई सिस्टम है, 70,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स कटा रहे हो, कमा नहीं रहे बहुत सारे लोग 3 महीने का। तो ये पावर है सिस्टम की, ठीक है। और सक्सेस की, ग्रोथ की बात करें तो सपने लिया करते थे कि हमारे पास यार कार होएगी, लोगों को देखते थे घूमते हुए, है ना, हम भी लेंगे, हमारी भी जिंदगी, शायद ऊपर वाले ने पैदा तो नहीं किया रिच, बट रिच बन तो सकते हैं अपने दम पे। क्योंकि तो 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चल रही है, किसी लोगों से आप पूछो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, कैसे चल रही लाइफ, कट रही है, कहाँ से कट रही है, है ना, कट रही है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर रहे, राइट। और उन्हें मौका भी मिलता है ना, बट उनका बिलीफ सिस्टम वो अटैच ही नहीं कर पाता। सोच बदलेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। तो बात करें सबसे पहली अचीवमेंट, कार अचीव करी, अच्छा कैसा लगेगा आप सभी को जो 2022 आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप जितने ही बैठे हैं ना, कि मेरे को पता है यहाँ से जाने के बाद जिस लेवल की आप मेहनत करने वाले हैं, और 2022 में आप सभी की एक एक कार खड़ी होगी आने वाले सक्सेस रेस के। मदर के सपने थे, हम ना एक्चुअली कभी रिलेटिव्स वगैरह में जाते थे तो बसों में धक्के खाते हुए जाते थे, तो सपना था कि हमारे पास घर हो, कार हो, है ना, सबसे पहला सपना था कार हो खुद की। तो मैंने सबसे पहले कार अचीव करी सिस्टम से, और ये चीजें आप भी करेंगे। सेकंड चीज घर का सपना होता है ना, हमारे पेरेंट्स भी सेविंग करते हैं कि पूरी जिंदगी की सेविंग से लास्ट में घर लेंगे, पर इस सिस्टम की पावर थी कि 4.5 साल की उम्र थे, और उसके अंदर मैंने अपनी फैमिली को 75 लाख रुपीज का घर गिफ्ट किया। ये चीजें देखो, खैर अगर देखा जाएगा बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, शायद कोई बड़ी बात नहीं, बट एक नॉर्मल फैमिली से ये चीजें अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये चीजें आप भी करेंगे। मेरा सपना था लग्जरी कार का, आप में से किस किस का ऑडी बीमर का सपना है, कि ये को तो शर्म आती है सपना, कईयों को ना शर्म बहुत आती है सपने बोलने में। मैं ना खुल के बोलता था लूंगा, मैं खुल के बोला, मैंने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया ना, मैंने कभी इतना सा मेरे माइंड में कोई बोलता था ना, कुछ भी बोलता था, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे दोस्त बोलते तेरी में घूम लेंगे। भाई कार अचीव करी, मेरे एक सीनियर ने कहा था कोई ना तू ले ले तेरी में घूम लेंगे, उसने मैं पता क्या बोलता था, तेरे को तो जरूर घुमाऊंगा, और की तो घुमाऊंगा घुमाऊ, तेरे को जरूर घुमाना। तो जो आपको बोले ना तेरी में घूम लेंगे, उसको जरूर घुमाना, आप सभी ने घुमाएंगे उन्हें। हाँ जी क्या बोल रहे हो, अच्छा ना यार इतना भी नहीं गिराना। लाइफस्टाइल की बात करें टोटली फ्री है, बाकी हमारे को फाउंडर्स हैं जिनसे हम मिले भी, मिस्टर पवन सर जो कि 3 गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप आउट है आज 1 से 1.5 लाख के बीच में, फिर मिस्टर आयुष सर जो कि बीए सेकंड ईयर में आए थे और बहुत अच्छी मेहनत करी सर ने, काफ़ी स्ट्रगल किया, मिस भावना मैम आज इनसे आपकी लाइफ टेस्टिमनी भी होगी, आज इनसे बहुत सारी सक्सेस के राज आपको पता लगेगी सिस्टम में कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया। मोनिका मैम बात करें, ये बिगनर्स के पे आउट्स है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि रातों रात करोड़पति बनने वाली कोई वो नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, स्टार्टिंग जरूरी नहीं लाखों से होगी, 10-10 हज़ार से भी शुरुआत हो सकती है, 12 से भी हो सकती है, 15 से भी, 25 से भी, बाकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गरीब है हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप देखेगा इससे भी गरीब है क्या, नहीं सर, एक शख्स आप देखेंगे देख रहे हैं ना फर्स्ट पिक के अंदर, एक इंसान जो कभी लकड़ियां बेचता था, सिस्टम की पावर थी, इंसान ही सिस्टम से मिलीनियर है, ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं ना मिलीनियर की ट्रॉफी है। जुनून होना चाहिए, जस्ट जुनून होना चाहिए, जिसके अंदर जुनून है ना वो कुछ भी अचीव कर सकता है, चाहे आपके अंदर स्किल है या नहीं है, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस अंदर एक आग है ना बर्निंग डिजायर की करना ही करना है कुछ, तो सारी चीजें अचीवेबल है इस दुनिया के अंदर। उसके कार पास हमें यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे अचीवर्स है, आज आपको इनसे मिलने का मौका, मिस्टर गौरव जी, मिस भावना शर्मा मैम, बाकी 7 स्टार टूर हमें यहाँ पे मिलते हैं, ग्लोबल रैली टूर को बोला जाता है। देखो 2022 में जा रहा, आप सभी को पता होगा अबू धाबी टूर जा रहा है। देखो मैं भी कभी टूर्स को देखा करता था, ग्लोबल रैली के टूर्स को, जैसे मैं छोटी सी वीडियो प्ले करता हूँ ध्यान से देखना, yeah।
इवेंट में एक दिन ग्लोबल रैली के इवेंट में भी होगी आप सभी अगर आप डिसीजन लेते हैं और ये इंडिया को बहुत जल्दी नंबर वन लाएगी और पूरी जिंदगी जो आने वाला टाइम है नंबर वन ही रखेगी करनी है। बाकी देखो स्टार्टिंग प्रोसेस आप सभी को पता होगा अगर कुछ जो न्यू पार्टनर्स हैं उन्हें बता देता हूं जो न्यू हमारी सबसे पहले माइंडफुल एवरीडे ऐप है उसे इंस्टॉल करना होता है हमें उसके बाद साइन इन एंड ज्वाइन नाउ आएगा ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे रिक्वायरमेंट क्या रहती है आधार कार्ड पैन कार्ड एंड मिनिमम एज 18 प्लस चाहिए एंड उसके बाद रजिस्टर और डिटेल इन अवर सिस्टम बाकी केवाईसी होती है एंड दिस इज नॉट द गेट रिच क्विक स्कीम सबसे पहले आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे ये तीन रूल है सिस्टम में कामयाब होने के जब आपको बता रहा हूं सबसे पहला एथिक्स आपको लगे कि यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊं चेक करना जो फॉरएवर के एथिक्स है के सारे फॉलो करते हो आप अगर आप सिर्फ एथिक्स को फॉलो कर लो ना यहाँ पे सारी चीजें जी सिर्फ एथिक्स को फॉलो कर और कभी भी लगे ना काम नहीं बढ़ रहा ग्रोथ नहीं हो रही उस लेवल की तो आप एथिक्स चेक करना कि आप सारे फॉलो कर रहे हो कोई ना कोई कमी जरूर मिल जाएगी आपको और उसको चेंज कर लिया तो सब कुछ चेंज उसका बिलीफ सिस्टम ठीक है फर्स्ट लर्न एंड अर्न बाकी देखो बहुत सारे लोग ज्ञान के देवता में मिलते हैं है ना आप उनके आईटीआर मंगा लो मुझे वो क्या होता है कहीं को तो ये नहीं पता आईटीआर क्या होता है ऐसे ही मिलेंगे कलाकार आपको तो थोड़ा ध्यान रखना आप एंड वी आर वेरी लक्की कि विन 23 कम्युनिटी का पार्ट है आप सभी क्योंकि 70% आपका काम यहाँ पे स्पोर्ट सिस्टम रन करता है एंड आपका 30% वर्क रहता है 15% नॉलेज लेनी है ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी देखो मैं ना कल खरड़ से आ रहा था तो ना चंडीगढ़ से खरड़ पड़ता है करीब 13-14 किलोमीटर पड़ता है शायद 15 पड़ता होगा तो उस टाइम पे मैंने बिजनेस को शुरू किया मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तेल बाइक तो थी घर वालों से ली थी मतलब की किश्तों पे हमारी मिडिल क्लास फैमिली आपको पता है बाइक भी 3-3 साल की किश्तों पे आती है तो फोन भी किश्तों पे आते हैं 8-8 हजार रुपए के राइट और फोन के 8-8 हजार रुपए की किश्तें करवाते हैं तो उस टाइम वो बाइक तो दे दी थी घर वालों को कमिटमेंट की थी कि किश्तें मैं ही दूंगा पर पैसा नहीं था ट्रेनिंग हुआ करती थी स्पेशली मैं सिस्टर सुपरवाइजर को बोलना चाहूंगा मैं देखो एक होती है धक्का स्टार्ट गाड़ियां जिनको धक्का देना पड़ता है कामयाब हो कामयाब एक होती है जो ऑटोमेटिक होती है एक सेल्फ मारी और चल जाती है ठीक है जो बंद नहीं होती बीच बीच तो आपको वो धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनना ये बिजनेस आपका है मैं आपको बता दूं जितने भी लीडर्स वर्क कर रहे हैं इस लेवल सुपरवाइजर ये किसी का आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है मेरे को एक सीनियर से हर ट्रेनिंग में बात मिली थी सुनने को कि आपने ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करना तो मैं आते हुए ना वही चीज याद कर रहा था कभी मैं बाइकों पे जाता था मेरी बाइक से तेल नहीं होता था मैं यही सोचता था मेरा तेल ना खत्म हो जाए बाइक से और खरड़ में सन्नी क्लेव के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी एंड वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स जो सीनियर मैनेजर लेवल पे हुआ करते थे जो 2-2, 4-4 लाख रुपए महीना कमाते थे वो दे रहे होते थे ट्रेनिंग तो हम अटेंड करने जाते थे कभी एक्सक्यूज नहीं दिया ठीक है यहाँ पे काफी सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं तो मैं आपको बता दूं या तो बहाने बना लो या जिंदगी एक ही चीज बनती है दुनिया आप या तो बहाने बनाएंगे या जिंदगी बनाएंगे आपको क्या बनाना है जिंदगी बनानी है तो अपनी लाइफ से एक्सक्यूज खत्म कर देना क्योंकि एक्सक्यूज लूजर देते हैं कंप्लेंट लूजर देते हैं आपको लूजर नहीं बनना आपने क्या बनना है विनर बनना है और विनर सीखते हैं क्योंकि जो सीखता है वो इंसान जीतता है और जब सीखना बंद तो जीतना बंद जब किसी भी लेवल पे हो अगर आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप जीतना बंद कर दोगे ये बात मेरी याद रखना जीतना है तो क्या करना पड़ेगा सीखना है किससे सीखना है अपने से अपवादों से सीखना है उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाकी अगर आप इस अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहे भी कुछ पार्टनर्स तो इसको फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि अकाउंट आपके बिजनेस को बिल्ड करने बहुत हेल्प करेगा वी 23 अकाउंट एंड लास्ट में इंस्टाग्राम आईडी तो लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज है जो जिसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया था आपको पता है जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं ना जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी ना इस सिस्टम के अंदर तब भी ये स्लाइड मैंने देखी तो इस स्लाइड ने मेरे माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट डाला मतलब बहुत क्लियर किया मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बात धीरू भाई मानी सर ने एक चीज को पॉसिबल करी है वो पॉसिबल क्या है एक चीज को बताई है कि इंसान ना जेब से अमीर गरीब नहीं होता कहां से होता है सोच से होता है अगर आप यहां से गरीब है तो कभी आप चाहे आपको करोड़ों रुपया हो एक दिन वो भी जीरो हो जाएगा अगर आप यहां से रिच है आपके पास बहुत कम भी हो ना उससे भी आप करोड़ों खड़ा कर लेंगे तो एक बात कहते हैं देखो सपने इस दुनिया में हर किसी के बट अगर हम अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमें नौकरी पे रख लेगा और हमसे काम करवाएगा अपने सपने पूरे करने के लिए
लास्ट में एक छोटी सी चीज, एक स्टोरी के साथ मैं एंडिंग करूंगा इस वेबिनार सेमिनार की, इस टॉपिक की। तो वो स्टोरी क्या, आप सभी ने शायद किसी ने सुनी होगी, शायद किसी ने नहीं भी सुनी होगी। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी का जो मालिक है वो 2-3 करोड़ की मर्सिडीज कार लेके आया, और जब वो कार लेके आया ऑफिस में उसने एंट्री मारी तो उसका एक एम्प्लॉय भागा भागा आया, कह रहा थैंक यू सो मच सर, आपकी कार बहुत बड़ी है। तो उसका सर क्या बोलता है, बेटा कितने घंटे काम करते हो? कहता सर मैं 8 घंटे काम करता हूँ। कहता आज से 16 घंटे कर, 24 घंटे कर, तेरा जो ये मालिक है 6 महीने बाद इससे भी बड़ी कार लेके आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने सपने पूरे करने हैं या बॉस के काम। तो देखो जो यंगस्टर है, मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे ना हरियाणा में बोलते हैं हार्ड आराम, हरियाणा है, हरियाणा वाले कितने एक बार हाथ खड़ा करेंगे? हार्ड आराम का मतलब पता है? बताएगा आपको, तो वाक्यों को बता देता हूँ। मतलब काम नहीं करना, घर वाले जा रहे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, मार्केट में जाके देख ही नहीं रहे, उनकी उम्र बढ़ रही है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उनकी भी बढ़ रही है, और उनकी दूसरे वे में घट रही है, क्लियर हो रहा है? तो आप कब उनको फ्री करोगे? जिनको आलस आता है ना काम करने में, जिनको नींद ज्यादा आती है, मैं आपको बताऊं अपने माँ बाप को देखना सुबह सुबह उठ के कितनी बार, कितनी सालों से काम करता है आप देख रहे होंगे। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि एक ही रीजन होता है जिंदगी को बदलने के लिए, कहते हैं कामयाब लोगों के पास कारण होते हैं और नाकामयाब लोगों के पास बहाने होते हैं। कि ये कारण था, बहुत सारे लोग आपको लूजर मिलेंगे, बोलेंगे मेरा अप्लाई सही नहीं था, कई सिस्टम में बुराई निकालते हैं, बट आपको सिस्टम में बुराई किस, अगर सिस्टम में बुराई होती तो कोई भी ना बनता, राइट और रॉन्ग? तो बन रहे हैं लोग, कौन बन रहे हैं? जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ना कि अपना सिस्टम क्रिएट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिस्टम को फॉलो करना है तभी आपके सपने पूरे होंगे, वरना नौकरी तो आज मर्जी से काम करना है, वरना मजबूरी से 40 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, कि ऊंट तो फाड़ के है ना, फाड़ के नीचे जितना मर्जी सोचे मैं उच्च हूं, बट एक दिन फाड़ के नीचे ही आना। बाकी सो क्लोज करते हैं, एंड सभी एक बार अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लें। ओके, सो देखो जैसे आप सभी को एक सिस्टम में कोई ना कोई शख्स लेके आए जो आपके आने वाले टाइम में लाइफ को चेंज करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ होगा, तो वैसे ही जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर शैलेश सर, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी और उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ, जोरदार क्लैपिंग कर दो एक बार खड़े।
साइड में ही कहा है, साइड में भी कहा है। सुपरवाइजर्स हैं, 88 सुपरवाइजर्स का ग्रुप बनाते हैं। आप सबको आवाज आ रही है? चंडीगढ़, रिया जी चंडीगढ़ से। एक बार सर यहाँ पे लाइन अरेंज करवा लो। चंडीगढ़ से रिया जी। एक काम करेगा, हाफ सुपरवाइजर्स इस साइड से अपना लाइन में आ जाए और हाफ सुपरवाइजर्स जो इस साइड है वो इस साइड से लाइन में आ जाए। फाइव फाइव का रूम बना सकते हैं आप सभी। Hold on.
सो मैं वेलकम करता हूँ प्रदीप सर का एंड सुलेश सर का जो कि असिस्टेंट मैनेजर्स को ट्रॉफीज देंगे और आप सभी ने एक्साइटेडली होके अपना क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करना है। ਬਣਾਉਂਦੇ
बाकी है। ओके, अब किस किस ने खुद को विजुलाइज किया है यहाँ पे? तो जो उस वीडियो में शख्स थे मिसेस सोमी ने, तो सीनियर महिला में वर्क कर रहे हैं, अब कौन कौन एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए? देखो ऐसे नहीं आएंगे, वो थोड़े जिद्दी हैं। सबसे पहले जो मेरे गॉड है, नहीं नहीं, भगवान है, जिनको भगवान मानता, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ पे मेरे को कामयाब किया है, प्रदीप सर के लिए जोरदार से कलर भी था। अच्छा ये बताओ मेरे को जानता कौन कौन है? छोटे से गांव से उठ के आया हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई अमीर बाप का बेटा था, कोई मतलब क्या है कि अच्छी गाड़ियां थी मेरे पास में, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। जब मेरी स्टार्टिंग हुई उस टाइम मेरे पास में मतलब क्या है कि किराया तक नहीं होता था जब मैं स्टडी करता था उस टाइम पे, तो क्या है कि घर वालों से पैसे लेके जाता था किराए के, 20 आने के बस इतना ही होता था। तो घर वाले भी क्या बोलते थे कि पहले पैसे देने से पहले ना गाड़ियां देते थे कि फलाने के बच्चे ने ये कर दिया, उस बच्चे ने ये कर दिया, तूने क्या किया। तो मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए जी, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचे हम। तो बाकी हम बात करते हैं स्लाइड्स की। देखो मैं स्लाइड्स में देख के आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने स्ट्रगल किया है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। ये आप देख ही सकते हो, जो भी आप यहाँ पे शो रही है आपको कि देखो उस टाइम पे ना, ये ढाई तीन साल पहले की पीक है। उस टाइम पे क्या था कि हम 10-12 हजार रुपये धक्के खाते ना, उस टाइम पे ऐसे धक्के खाता था जी मैं। उस टाइम पे ना ये था कि हमें क्या ही कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, लेकिन अच्छी तो कहाँ पे, कोई 10-12 हजार रुपये की जॉब भी नहीं लगी उस टाइम पे। लेकिन जब मेरी फोर एवर में स्टार्टिंग हुई, ये मेरी जॉइनिंग डेट है, देखो जैसे आप आए हो ना वैसे ही मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही आया था। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आप देख ही सकते हो, ये तो पीक है, ये उस टाइम की पीक है जब हमने क्या है कि जब हम आर्डर करते हैं ना, उस टाइम की बोलते ना कि हम सब कुछ डे में मिल जाएंगे, हमें क्या कि हमें बुखार हो गया है, मेरे को उस टाइम पे 102 डिग्री बुखार था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पीक, ये जो इतना मोटा कंबल देख रहे हो, ये मैं क्या है कि घर से लेके गोल दवाई साथ में लेके फिर मैं यहाँ पे क्लास लगाने के लिए आया था चंडीगढ़ में अपने जो प्रदीप सर। देखो एक्सक्यूज हर कोई बढ़ाता है, एक्सक्यूज क्या है कि सभी बढ़ाएंगे कि क्या है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमें बुखार है, काफी इस वजह से रह भी गए। तो जो एक्सक्यूज बढ़ाएगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। आपने कामयाब लोगों को देखा होगा, कामयाब लोग कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाते। जो आज के टाइम पे जितने भी इंसान कामयाब है ना, उन्होंने कभी भी आज तक कोई भी बहाना नहीं बनाया होगा। ये देखो जी मेरी जब क्या है कि सुपरवाइजर जब मेरा लेवल अचीव हुआ था, सुपरवाइजर लेवल कितने पे अचीव होता है? 25 cc पे, मेरा 62 cc पे हुआ था जी। बोलते ना मेहनत करो तो इस कदर करो क्या है कि अपनी जो कदमों की छाप रह जाए, है कि नहीं? अब मेरा को मेरा रिकॉर्ड कौन कौन तोड़ेगा यहाँ पे? क्या बात है,
अचीवमेंट हुई थी। देखो वही बात है, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद बोलते ना कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। जब मेरी अचीवमेंट हुई थी उस टाइम की, ठीक है जी, ये जो मैंने बाइक लिया था ज्यादा नहीं 2.5 लाख रुपए का, देख सकते हो जी, आप खुद भी अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में अपने को क्या है कि बिलीव करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, अपने खुद पे विश्वास करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग में सबको बोलते हैं, मेरे को भी बोला था कि कोई फायदा नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको भी बताया कि हम यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर है ना 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। बोला कि कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे। मैं बोला कि छोड़ दूंगा, 10-12 हजार रुपए की कोई नौकरी दिलवा दे, मेरे को मेरा खुद का खर्चा चलाना है। बोला यार मैं खुद ही धक्के खा रहा हूँ। अब सोच के देखो, जो बंदा खुद धक्के खा रहा है क्या वो मेरे को कामयाब कर सकता है? उस टाइम पे मैं मिला प्रदीप सर से, जो ऑलरेडी कामयाब इंसान थे, कामयाब। तो प्रदीप सर ने मेरे को समझाया, बताया कि कैसे हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हैं। बोलते ना कि कामयाब लोगों की बातें सुनेंगे तो हम कामयाब होएंगे। तो हमने क्या कि कामयाब लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। अगर आपके काफी फ्रेंड मिलेंगे बोले कोई फायदा नहीं है, पहले वो देखो कि वो खुद क्या कर रहे हैं। अगर वो धक्के खा रहे हैं ना, वो आपको कामयाब नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं कर पाएंगे आपको। तो अब बात करते हैं गाड़ी अचीवमेंट की जी। ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हो, ये मैं क्या कि बस में जाता था उस टाइम पे, क्लास लगाता था ना, एस था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये सॉन्ग क्या कि बजता जाता था, बजता आता था अपने कानों में कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि क्या है कि हम करके दिखाएंगे दुनिया वालों को। जो बोलते ना कि कुछ नहीं कर सकता, उनको करके दिखाना है। काफी लोगों ने मेरे को बोला ही कुछ नहीं कर सकता, उनकी मैंने क्या किया कि अपने जो फोन होता ना, मेरे पास में एक ऐसा फोन था कि ये मान के चलो कि ना के बराबर हैंग हो जाता था बार बार। उस फोन पे भी मैंने क्या है कि उनके नाम लिखे एक एक के, उनको मैंने सोचा कि वो करके दिखाना है। अगर मैंने इनको करके नहीं दिखाया तो बाद में ये हंसेंगे। उन जो वे नाम थे उनको बार बार में मैं देखना था कि क्या है कि इनको करके दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग आते हैं देखने के लिए और कुछ लोग आते हैं दिखाने के लिए। तो आपको ना दिखाने वाला बनना है, देखने वाला नहीं। आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे जो लोग दिखाते हैं वो किस लेवल पे है और जो देखते हैं वो किस लेवल पे है। बात करूं तो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 6,000 रुपए का। लेकिन अगर अब की पे आउट की बात करूं मैं, अब का मेरा पे आउट कितना, 3 लाख प्लस है जी। आप खुद सोच सकते हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की थी मैंने। कोई ऐसा नहीं था कि क्या है कि मैं सीधा क्या है कि मैनेजर बना हूँ यहाँ पे। मेहनत की थी, मेहनत करने के बाद में यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बिल्कुल आप खुद भी पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे से आगे जा सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, कोई भी अंबानी के खानदान से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से उठ के हम यहाँ तक आए हैं, है कि नहीं? तो अगर अपने कामयाब होना है तो पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। उन लोगों की बजाय जो लोग बोलते ना कि कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों पे अगर आप बिलीव करोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाकी लाइफस्टाइल आप देख ही सकते हो। मैंने मैनेजर रिट्रीट जो होता है, जो क्या है कि मैनेजर रिट्रीट होता है, वो लेवल क्वालिफाइड किया है वहां पे।
आप देख सकते हो जी लाइफ स्टाइल भी अपना कितना चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको पिक दिखाई थी वो पिक देखो और एक ये पिक देखो कितना चेंज आया है सिर्फ मेरे 2.5 साल के अंदर अंदर। और एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना उस टाइम से लेके अब तक मतलब 2 साल के अंदर अंदर है ना मैंने कितने पैसे कमा चुका हूँ मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको 30 लाख जी 30 लाख से ज्यादा। अब बोलते हैं कि हम क्या है कि नौकरी करेंगे 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए, लेकिन जो छोटी सोच रखते हैं ना उनको वो भी नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उनकी सोच ही छोटी है और फिर वो खुद को टाइम नहीं देना चाहते। जो खुद पे काम करेगा खुद को टाइम देगा वही आगे बढ़ेगा जी, रियलिटी है बिल्कुल। जो ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं
जब तक बच्चे जब तक स्टूडेंट्स अपने अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं उससे पहले इतने शार्प बन जो कि आपकी पहचान हो और इंसान आपका नाम ले कि मैंने काम करना है तो इस शख्स के साथ ही काम करना है। तो बताना चाहूंगा मैं हमारे फाउंडर मिस्टर प्रतीक शर्मा सर को जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे ओके और बिलियनेयर क्लब की ट्रॉफीज देंगे। और जो जो शख्स अभी खुद को विजुलाइज कर रहे हैं ना कि मैं सोमवीर सर की जगह नेक्स्ट अचीवमेंट पे यहाँ पे होऊंगा वो इंसान सच में यहाँ पे अपना नेक्स्ट अचीवमेंट पे आएगा भी आएगा। ओके यूनिटी तो ये बिजनेस भी किसका है
है ना, समझ आ रही है चीजें? इतना सक्सेस रहे हमने, पूरा सक्सेस रहे अटेंड किया, क्या चीजें सीखी आप लोगों ने? सबसे पहले तो एक चीज सीखी होगी कि अपने जितने भी सीनियर थे उनकी सुन के चलना है। दूसरी चीज, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और नेगेटिव लोग आपको उनका कोई इलाज है? उनका इलाज क्या है? पापा क्या करे? पापा क्या बने? बापू का। और अपने को कहाँ चलना है? टारगेट पे, ठीक है। फालतू की सारी चीजें छोड़नी है एक टाइम के लिए, ठीक है। और देखो, मैंने एक स्टूडेंट लाइफ से फॉरएवर को स्टार्ट किया था। इस कॉलेज को एक स्टूडेंट था, फॉरएवर मिली। देखो, फॉरएवर किसी के लाइफ में ना बाई, हर किसी के लाइफ में बाई चांस आती है। किसी को पता था स्कूल में मैं फॉरएवर करूंगा? किसी को कॉलेज में पता था मैं फॉरएवर करूंगा? बाई चांस आई लाइफ में? धक्के से किस किस के, कैसे किस किस के आई है? पकड़ पकड़ के किसको लेके आया गया? सच बताना, आपको अपनी मम्मी का समय धक्के से कौन लेके आया इसको? भाई तुम, तेरे को चलना ही पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं? यस सर, आई ना बात। देखो, धक्के से तो आए हो, और जब नेक्स्ट टाइम आओ ना, वो बहुत सारे लोगों को धक्का मार के लेके आना है। ले आओगे? वहां नहीं, स्टेज पे। माता बैठी हो, अब यहाँ पे जितने लोग हैं सबको जानते हो? सभी को जानते हो ना? आपको कोई जानता है कि आप उस भीड़ का हिस्सा हो? और वहां से निकलना पड़ेगा। यदि टाइम रहते निकल जाएंगे तो दिक्कत है कम है, दिक्कत है कम है। कंपटीशन यहाँ पे भी बढ़ रहा है ना। जब आप आए थे तो आपके एरिया में कोई नहीं होगा, आज इतने सारे लोग हो गए हैं। धीरे 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 काम बढ़ रहा है। देखो, जब फॉरएवर स्टार्ट किया था तो मैंने हिसार से फॉरएवर को स्टार्ट किया था। हिसार से कितने हैं? हिसार से क्या हर जगह से हिसार की आवाज आ रही है? हरियाणा से कितने हैं? ना तो पंजाब का नाम चलता था, पता होगा पुराने लोगों को। आज एक टाइम पे क्या चलना चाहिए? राजस्थान। चलो, आपके स्टेट का नाम चलना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा ऑडिटोरियम आपके स्टेट का बना होना चाहिए। भर दोगे? आपका आपस में क्या डिस्कशन चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पर्सन, देखो धक्के से आए हूँ, किसी को लेके आया गया होगा, कुछ अपनी मर्जी से भी आएगा, चलो देख लेते हैं क्या। बट देखो, मैं एक ही चीज आप लोगों को बताता हूँ कि सीरियस होके सारी चीजों को फॉलो करना। समझ आ रही है चीजें? जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई है ना, वो सारी चीजें सीरियस होके आप लोगों को फॉलो करनी है। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो काम बता दिया वो कभी नहीं होता। होता है कभी? एस कितने हमारे बीच? एस नोवस कस्टमर तो बताएंगे, नोवस कस्टमर होता क्या है? अच्छा, सुपरवाइजर्स कितने? ओनली सुपरवाइजर्स। असिस्टेंट मैनेजर्स और मैनेजर्स, मैनेजर्स की आवाज ज्यादा है ना ये सोसाइटी। तो देखो यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल जीरो से उठा के आपको हीरो तक पहुंचाता है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी पावर है कि आप चाहे पहले कुछ भी नहीं आता, स्टडी में डल हो, चाहे कहीं पे भी कुछ हो, बट यदि आप फॉरएवर को नियत से कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, बट आपको करना क्या पड़ेगा? नियत से काम करना पड़ेगा, ठीक है। कई पर्सन क्या करते हैं? फेक स्ट्रगल करते हैं। क्या करते हैं? फेक स्ट्रगल। फेक स्ट्रगल कौन सा होता है? अपने ब्लाइंड को दिखाने के लिए कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, बट वो मेहनत आपको यहाँ पे कामयाब नहीं करेगी। आपका रियल स्ट्रगल आपको कामयाब करेगा। और जब रियल स्ट्रगल की बारी आती है ना, तो बहुत सारे लोगों को आज फ्रेंड भी लेके और सक्सेस डे में भी नहीं आएगा।
अभी सोमवे सर ने ना अपनी दिखाई थी कि मेरे को फीवर था, दिखाई थी मोब सर की ट्रेनिंग थी, मेरे को याद है। और जाते टाइम वो कैथल हवेली की फोटो है जहाँ पे बस रुकी भी होगी आते टाइम, चेक कर लेना वही आपको पीछे का रिव्यू मिलेगा। समझ आ रही है चीजें? तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि अपने मम्मी पापा का कभी भी दिल ना दुखाए, कभी भी उनको चीट ना करें, कभी भी उनको धोखा मत दे। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। कभी भी प्रॉब्लम से दूर मत भागना, क्योंकि प्रदीप सर ने से ना एक बात सीखी है और मैंने बहुत बार ट्रेनिंग के अंदर बताई थी और वो मैं आज आप लोगों से शेयर भी करना चाहूंगा। शेयर करूं? सुनोगे? अप्लाई करोगे? आपको यहाँ पे कामयाब होना है, जल्दी मैनेजर बनना है, आपको हर प्रॉब्लम के जड़ के अंदर जाके उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, मस्का लगाने से काम नहीं चलेगा, बता ना? आपको उस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये रहे, बाकी मेरे फादर साहब आए हुए हैं तो मैं एक बार आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। परंतु जो बच्चे ऐसी फील्ड में आते हैं तो हम अपने जो सपने हैं प्राय हम भूल जाते हैं, फर्क हो जाते हैं हमारे, इससे आप सोचते नहीं। जब हवाई जहाज ऊपर उठते हैं तो देखते हैं तो हाँ भाई हवाई जहाज यहाँ नीचे से देख लेते हैं, परंतु उसमें बैठने का सपना तो हम लेते हैं भाई, हम बैठे, परंतु हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बैठ सकें। परंतु जब बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, जब बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं तो अब हमारे सपने है ना, फिर सिद्धा कर दोगे भाई हम उस जहाज में जरूर बैठेंगे कभी। अरे एक छोटी सी बात और भी बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे हम किसी होटल में जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो पहले रेट वाली लिस्ट को देखते हैं, खाने वाली चीज नहीं देखते हुए क्या खाना, रेट देखते हुए कितना है। परंतु मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है कि मैंने अब वो रेट वाली लिस्ट देखनी छोड़ दी, मैंने हासिल कर
प्रोडक्ट की क्या पावर है। तो सबसे पहले मैं मेरे मदर के लिए एक बिग क्लैप चाहूंगी।
हेलो संगत बदलनी है अपनी संगत बदलनी तो रंगत अपने आप बदल जाएगी।